एक लड़की जिसे मॉडलिंग करने का शौक था, एक लड़की जो माया नगरी की चकाचौंध में सितारा बनकर चमकना चाहती थी, एक लड़की जिसकी हसरत थी कि वो भी एक दिन एक बड़ी हीरोइन के नाम से मशहूर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन, मैं हूं नितेश तिवारी। क्राइम सीन में आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसमें प्यार है, इजहार है, प्यार के नाम पर एक ऐसा धोखा भी है जिसने प्यार जैसे पवित्र रिश्ते का भी कत्ल कर डाला। यूं तो कोई भी कहानी शुरुआत से ही शुरू होती है, लेकिन आज की कहानी शुरुआत की कहानी के बीच से शुरू होगी। शुरुआत भी बताएंगे, उससे पहले बीच की कहानी सुनना ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के बीकानेर जिले में एक लड़की का शव एक मकान से बरामद होता है। शव को देखकर ही पता चल गया था कि उसने अपनी जान दी है। मरने वाली लड़की का नाम इशप्रीत था। इशप्रीत को मॉडलिंग का शौक था। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मौत से चार दिन पहले ही मॉडल इशप्रीत के बॉयफ्रेंड जयराज ने उसके दो मकान अपने नाम पर करवाए थे। एक महीने पहले ही मॉडल के नाम पर करीब 50 लाख रुपए की कीमत वाली एक लग्जरी कार भी खरीदी गई थी। इस कार को भी उसका बॉयफ्रेंड जयराज ही इस्तेमाल करता था। पुलिस को शक है कि ये सब कुछ एक बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया था। मैडम के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे अनुसंधान से उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। किसके साथ रही थी, क्या घटना है और कौन कौन? मौके पे एक लड़का और है जयराज नाम का, वो मिला है। वो भी उस वक्त उसकी हालत सही नहीं थी, जिसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया। क्या जयराज को पता था कि उसकी प्रेमिका इशप्रीत की मौत होने वाली है? क्या इसीलिए जयराज ने उसके मरने से पहले उसकी तमाम प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया था? इशप्रीत का शव मिला तो शुरुआती जांच में शक की सुई उसके बॉयफ्रेंड पर ही गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया। मृतक युवती के पिता पुलिस में हत्या का केस भी दर्ज करवा चुके हैं। इशप्रीत एक मॉडल होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। 26 साल की इशप्रीत कौर बीकानेर के खतुरिया कॉलोनी के मन मंदिर के पास रहती थी। वो 26 जुलाई को मुक्ता प्रसाद इलाके के बीकाजी सर्किल के पास स्थित एक घर में मरी हुई पाई गई। ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जयराज तंवर का था। जब इशप्रीत का शव मिला तो उसके पास उसका बॉयफ्रेंड भी बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसे पुलिस ने इलाज करवाने के बाद अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंस्टाग्राम पर इशप्रीत के 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। पुलिस की जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि जसप्रीत और जयराज पिछले 8 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों साथ रहते थे, कई बार इनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते थे। हालांकि इशप्रीत अपने प्रेमी जयराज को लेकर काफी सीरियस थी। पुलिस की माने तो इशप्रीत के नाम पर उसके दो मकान थे, एक पवनपुरी और दूसरा खतुरिया कॉलोनी में था। दोनों मकानों की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। इशप्रीत जयराज पर भरोसा करती थी, उसे दिलोजान से चाहती थी। शायद इसीलिए जयराज के एक बार कहने पर ही उसने अपने दोनों मकान उसके नाम कर दिए। जयराज को लग्जरी कार का भी शौक था। दोनों मकान अपने नाम पर करवाने के बाद उसने इशप्रीत से एक बार कार की डिमांड की और अपने प्रेमी की ये डिमांड भी इशप्रीत ने पूरी कर दी। उसे 50 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीद दी, लेकिन उसके लिए इशप्रीत को 33 लाख रुपए का लोन भी लेना पड़ा, वो भी अपने गहनों को गिरवी रखकर। जयराज की सारी डिमांड आसानी से पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था इससे उसकी प्रेमिका इशप्रीत अनजान थी। जयराज को शक था कि इशप्रीत का कई और लोगों से भी संबंध है। पुलिस के मुताबिक जयराज की सारी डिमांड पूरी हो गई तब वो किसी तरह से इशप्रीत को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने के तरीके खोजने लगा। इसके लिए उसने इशप्रीत को नशे की ऐसी लत लगा दी कि इशप्रीत भी नशा किए बिना नहीं रह पाती थी। जयराज ने उसे नशे का ऐसा आदि बना दिया था कि एक दिन जब उसे नशा नहीं मिला तो उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। जयराज ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही इशप्रीत को मोहरा बनाया था। वो सच्चे प्यार का नाटक करता था, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि इशप्रीत एक पैसे वाली घर की लाडली लड़की है और उसके घर वाले भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दिया करते थे। लिहाजा जयराज ने सोचा कि इससे अच्छी सोने की चिड़िया और कहां मिलेगी। अपने झूठे प्यार में फंसाकर जयराज ने प्रेमिका को ही मरने पर मजबूर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे क्राइम सीन में एक और कहानी के साथ। नमस्कार।